फ्रेंड्स, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे को प्रेरित करते रहना चाहिए, समय समय पर एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। परंतु यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस में मैंने इतने सारे नेगेटिव कमेंट देखे कि लोग जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनकी टांगें खींचना शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं माइंड पावर मेमोरी पावर NLP का ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वंडरफुल वीडियो लेकर के आया हूँ। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। चलिए कुछ नया सीखते हैं राम प्रकाश ठाकुर के साथ। दोस्तों, आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो नए लोग हैं, कुछ लोग सिंगिंग में, कुछ लोग डांसिंग में, कुछ लोग यूट्यूब चैनल में एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, कुछ माइंड पावर मेमोरी पावर NLP से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। जो नए लोग हैं उनके कमेंट्स में, बहुत सारे लोगों के कमेंट मैंने ऐसे देखे जो नेगेटिव कमेंट की, इसको खड़े होना नहीं आता है, इसको बोलना नहीं आता है, ये कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। हमें अगर किसी को अच्छा बोलना नहीं आता है तो किसी को नेगेटिव बोलने का राइट्स भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो अगर किसी की अच्छी नहीं लगती है तो उसकी टांग मत खींचो, उसमें नेगेटिव कमेंट्स मत करो। एक नेगेटिव कमेंट आदमी को हमेशा स्टेप अप करने के बजाय स्टेप बैक कर देता है। जो नए बच्चे हो सकते हैं भविष्य में, बहुत सारे स्टार सुपरस्टार आपने देखे होंगे जो बहुत संघर्ष करने के बाद उनकी एक वीडियो, एक सॉन्ग या एक मोटिवेशनल वीडियो या एक सेमिनार उनको सुपरस्टार बनाता है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है। जब आप नेगेटिव कमेंट्स डाल देते हैं यूट्यूब में तो वो जो व्यक्ति अपना पोटेंशियल देना चाहता है, अपना इनर पावर का सही से इस्तेमाल करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए सबसे रोग क्या कहेंगे लोग। जिसने माइंड पावर ट्रेनिंग की हुई है, जो मेमोरी पावर NLP स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो बच्चा गांव से निकला है, जो अभी शुरुआती तौर पे अपने पोटेंशियल का यूज करने की कोशिश कर रहा है, अपने पोटेंशियल को आजमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जब आप नेगेटिव कमेंट करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को ध्यान से सुनना और उस कहानी को सुनने के बाद आप पाएंगे वाकई में ऐसा है। दोस्तों, आप भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं कहानी सुनने के बाद। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको डीमोटिवेट भी मत कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, उस वीडियो को मत देखिए, लाइक मत कीजिए। कम से कम एटलीस्ट जैसा जो प्रयास कर रहा है शुरुआती इनिशियल स्टेज में आगे बढ़ने का, उसको नेगेटिव कमेंट करके नेगेटिव मत बोलिए। अदरवाइज दोस्तों, आपके साथ भी वही होगा जो आज आप कर रहे हैं। जैसा बीजोगे, जैसा बोगे, वैसा आप भी पाओगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ता है। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं नेगेटिव आदमी कमेंट करने वाला मिलेगा और आप भी उस समय डीमोटिवेट होंगे। और प्रकृति का नियम है, जैसा जो आप जिसको दोगे वही आप वापस लोगे। मतलब 110% आपको भी वो सहन करना पड़ेगा, वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप एक खूबसूरत जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छा दीजिए, लोगों को पॉजिटिव बोलिए। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं लग रही है, मतलब अच्छी नहीं लगती है, बियॉन्ड योर थिंकिंग एंड कैपेसिटी है, तो उस चीज़ को मत देखिए। तो दोस्तों, कहानी एक केकड़े की है, एक देश की है, और उस देश में बहुत ज़्यादा केकड़े खाए जाते हैं। और उस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। कहानी 3 से 5 मिनट की है, पूरी जरूर देखिएगा। पूरी सुनने के बाद आप बोलेंगे डेफिनेटली ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में। जापान में दोस्तों केकड़े खाए जाते हैं, हर देश से 2-2 पेटियां मंगवाई जाती है केकड़े की, चाइना से, अमेरिका से, थाईलैंड से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, अलग अलग डिफरेंट कंट्री से केकड़े की 2-2 पेटियां मंगवाते हैं। और वो बोलते हैं कि हमें जिंदा केकड़े चाहिए, हमने देखना है कि कौन से केकड़े ज़्यादा क्वालिटीफुल है। तो सारे देशों के केकड़े आ जाते हैं। वहां जब केकड़ों की पेटियां पहुंच जाती है तो सभी देशों के केकड़ों की पेटियों से सारे केकड़े भाग गए हैं। किसी के 100 किलो में से 2 पेटियां, 50-50 किलो की 2 पेटियां, 100 किलो में से किसी के 90 किलो रह गए, किसी के 80 किलो रह गए, किसी के 75 किलो रह गए। परंतु भारत के जो 2 पेटियां भेजी गई थी उसमें नर और मादा दोनों थे, 100 किलो से 1 किलो ज्यादा हो गए हैं वहां पहुंचने तक। अब आप बोलेंगे कि कैसे, और हैरानी की बात ये कि बाकी जो पेटियां थी वो सील थी, पूरी तरीके से पैक्ड, बट इंडियन जो पेटी थी वो ओपन थी, खुली थी। और वहां का डीलर हैरान हो जाता है, वो सोचता है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल मैन, पेटियां ओपन और एक भी केकड़ा नहीं भागा है, 100 किलो भेजे थे और बढ़ गए हैं थोड़े से।
तो वहाँ का डीलर इंडियन डीलर को फ़ोन लगाता है, बोलता है भाई साहब आपके हिंदुस्तान में क्या केकड़ों को भी ट्रेनिंग दी जाती है? तो वो बोलता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। फिर बोलता अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सारे के सारे केकड़े हमारे पास कैसे पहुँचे और ऊपर से आपने पेटियों को सील भी नहीं किया, ओपन रखी है? बोलता है भाई ये इंडियन केकड़े हैं। हर एक केकड़ा सबसे पहले भागना चाहता था आगे, जब एक भाग रहा था तो दूसरी उसकी टांग खींच रहा था, फिर वो टांग खींचने के बाद दूसरा भाग रहा था तो तीसरी उसकी टांग खींच रहा था, तीसरा भाग रहा था तो चौथी उसकी टांग खींच रहा था। इसलिए कुछ तो नीचे इंजॉय कर रहे थे आपस में, कुछ भाग रहे थे, जो आगे भाग रहा था दूसरा उसकी टांग खींच रहा था, दूसरा भाग रहा था तीसरा, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में कोई भी केकड़ा नहीं भाग पाया और सारे के सारे आपके पास पहुंच गए हैं। What is the moral of this story? हमारे हिंदुस्तान में ये अक्सर पाया जाता है, जब एक आदमी कामयाब होने की कोशिश करता है उसको मोटिवेट करने के बजाय हम डीमोटिवेट करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, फिर वो जो टांग खींचने वाला है वो खुद भागने की कोशिश करता है, पीछे से उसकी भी कोई टांग खींचने वाला होता है उसकी भी टांग खींची जाती है, फिर तीसरा आदमी है वो आगे भागने की कोशिश करता है, चौथा उसकी टांग खींचता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैलेंट की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है फ्रेंड्स। फर्क इतना है कि हिंदुस्तान में मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम हैं और टांगे खींचने वाले ज़्यादा हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में ये बदलाव आ जाएगा कि मोटिवेट करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हो जाएंगे और टांग खींचने वाले कम हो जाएंगे, हिंदुस्तान बहुत ही जल्द सुपर पावर बनेगा फ्रेंड्स, ग्रेंटेड। तो बाकी लोगों की तो हम कमिटमेंट नहीं करते हैं, कम से कम अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि यूट्यूब चैनल हो या कहीं पे कोई फंक्शन हो या कहीं पे आप जा रहे हैं, एटलीस्ट आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो उसको बुरा भी मत बोलिए। टांग खींचने का मतलब ये नहीं है कि किसके बारे में षड्यंत्र रचना है, किसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सरकम मतलब अपोजिट नेगेटिव उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना है, आलोचनाएँ करनी है, अब्यूजेस देने हैं, वो भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये भी अगर आप किसी को नेगेटिव कमेंट भी डाल रहे हैं वो भी नेगेटिव है। कुछ लोग इन्जॉय के लिए नेगेटिव कमेंट डालते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यूट्यूब में सभी वीडियोस ठीक होते हैं, कुछ वीडियो ऐसी भी है जो नेगेटिव डाल रहे हैं उसमें आपका राइट्स है पूरा, आप नेगेटिव बोल सकते हैं, परंतु अच्छी वीडियो जो आपको प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश, जो आपको अच्छी शिक्षा देने की, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, जियोग्राफी से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, या कोई सिंगर जो अपने पोटेंशियल को आजमाना चाह रहा है या कोई डांसर अपने पोटेंशियल को, उनमें जब आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो बात गलत है। बाकी सभी चैनल की मैं बात नहीं करता, रही बात दोस्तों आपकी जिंदगी की, आपके जीवन में डेफिनेटली सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपको सक्सेस की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, सक्सेस आपकी तरफ आएगी जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा और लोगों को मोटिवेट करने वाला बनेगा, उसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और आपकी कदमों को, आपकी जो कामयाबी आपके कदमों को डेफिनेटली चूमेगी, 110% आप कामयाब होंगे। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है। सबसे पहले हमने आज से कमिटमेंट करना है कि हमने किसी की टांग नहीं खींचनी है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने। अगर जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, आपकी सोच के अकॉर्डिंग, उसको मत देखिए। अगर देखने के बाद आपको नेगेटिव लग रहा है तो एटलीस्ट ये बोलिए कि भगवान उसका भला करे, उसको पॉजिटिव बुद्धि दे, पॉजिटिव थिंकिंग दे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में भेजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स में हर जगह ऐसा ही है, जितने भी केंद्र शासित अनदर प्रदेश है वहां पे भी ऐसा ही है, ज्यादातर लोग मोटिवेट करने वाले कम है और नेगेटिव करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। जिस दिन ये संख्या मैंने पहले भी बताया आपको बढ़ जाएगी, मोटिवेटर ज्यादा हो जाएंगे और पॉजिटिव लोग ज्यादा हो जाएंगे और नेगेटिव और टांग खींचने वाले कम हो जाएंगे, उस दिन भारत बहुत जल्द सुपर पावर बनेगा। और सुपर पावर बनने के लिए जो अधिकारी है, जो क्लास वन ऑफिसर है, वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वही उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वही देश को बदलेंगे, हम भी है, हम चाहे गांव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, हमें भी अपने आप को चेंज करना है। जिस दिन इंसान अपने आप को चेंज करने पे आ गया तो हिंदुस्तान एक दिन बहुत सुंदर और चेंज्ड हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो सही लगी है तो इस वीडियो को शेयर तो डेफिनेटली कीजिए, कमेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अभी भी बताया। आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, 2020 बहुत ही जल्द आने वाला है, दिसंबर चल पड़ा है और 2020 में हम आपको अलग अलग क्षेत्र की एंटरटेनिंग और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाली वीडियो लेकर के आएंगे। और अभी भी इस महीने और भी वीडियोज़ आएगी, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।